गुमला पुलिस के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत एसएस हाई स्कूल बिशनपुर के स्टेडियम में एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के 6 टीमों द्वारा भाग लिया गया और फाइनल मैच फुटबॉल क्लब मैलापाट बनाम फुटबॉल क्लब शेर का सियार टोली द्वारा खेला गया। दोनों टीमों द्वारा खेल में विजेता एवं उपविजेता का निर्णय नहीं हो पाया, जिसके बाद शेर का सियार टोली के द्वारा पेनाल्टी शूटआउट के माध्यम से 1-0 से बढ़त बनाकर इस मैच का विजेता बना। इस मौके पर मुख्य अतिथि गुमला एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल के द्वारा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि गुमला के पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देशानुसार जिले के सभी क्षेत्र में प्रखंड स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नौजवान लोगों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण अपने ग्रामीण स्तर में छुपी प्रतिभाओं को नहीं निकाल पाते हैं, जिसके लिए पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गुमला जिला के सभी प्रखंड में इस प्रकार का टूर्नामेंट कराया जा रहा है, जिससे यहाँ पर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को चयनित करके उसको ऊपर में हमारे गुमला जिला में इनका फाइनल कराया जाएगा। और हम लोग का मेन उद्देश्य है कि हम लोग जो हमारे पुलिस और पब्लिक में जो दूरियां दोनों टीमों के बीच अभी तक कोई बढ़त नहीं हो पाई है, और हम लोग एक दूसरे का सहयोग पाकर हम हो रहे हैं हमारे यहाँ अपराध और जो बच्चे भटक जा रहे हैं उनको सही रास्ते में लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जितने भी नौजवान बच्चे हैं उनको सैनिक सेना में पुलिस में आर्म्ड फोर्सेज में बहाली के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, और उनको यहाँ तक कि बहाली में भी उन लोगों को साथ में सारे जितनी मदद कर सकते हैं हम लोग हैं उसको, कि जैसे दूर दराज के जितने बच्चे हैं नौजवान बच्चे हैं उनकी बहाली हो सके, वो सरकारी नौकरी में जा सके और देश की सेवा कर सके। गुमला के बिशनपुर से भरत कुमार की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।